और बेहद खूबसूरत नज़ारा है दरगाह का। और इस टाइम आशिक अल्लाह बाबा सरकार हैं उनकी दरगाह पर हम मौजूद हैं, जंगल में बेहद खूबसूरत दरगाह। चलो आपके पूरा ज़्यारत कराते हैं यहाँ की। दोस्तों इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी खूबसूरत दरगाह वो जंगल के अंदर है और आप देखते रह जाएंगे। इस सामने आप खूबसूरत सी मज़ार देख सकते हैं। ये दरगाह से ऊपर छत बनी हुई है, उसके ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ का, देख सकती हो आप। ये एक दरवाज़ा सा बना हुआ है, देख सकते हो आप। ये ऐसा लग रहा है जैसे इधर से उधर जाने के लिए कुछ बना था ये पहले। और ये अंदर का खूबसूरत सा नज़ारा, पूरा जंगल है इसके चारों तरफ। इंदावली है, इन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ हमेशा लंगर होता रहता है, लंगर भी आप खा सकते हो। और ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके से आपको ऊपर जाना है और ये नज़ारे देखिए आप, बेहद खूबसूरत मज़ार है आशिक अल्लाह बाबा सरकार की। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? और इसी के साथ आशिक अल्लाह दरगाह है जो जंगल के अंदर है, बहुत खूबसूरत दरगाह है, वहाँ पर मैं आया हूँ। और चारों तरफ जंगल है, जंगल में बनी एक खूबसूरत मज़ार है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर सलाम पेश करने आते हैं। अभी जिंदावली है, इन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ हमेशा लंगर होता रहता है, लंगर भी आप खा सकते हो। और उसके बाद जंगल के अंदर इतनी खूबसूरत दरगाह मैं बता नहीं सकता, अगर आप अभी तक नहीं आए तो ज़रूर आना, बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए। अभी जो रास्ता आप देख रहे हो जंगल वाला, ये आशिक अल्लाह दरगाह है जो अंदर जंगल में, हम वहाँ जा रहे हैं सलाम कर रहे हैं। अभी हम महरौली से आए हैं, अभी ये जंगल में हम जाएंगे। अब ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हो, इतना चलने के बाद वो आखिर दरगाह आ गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, देख रहे हो। अब यहाँ ये सड़क बनी हुई है, इस तरीके की सड़क बनी हुई है, दरगाह का नज़ारा। यहाँ तक ऑटो भी आते हैं, ऐसा नहीं है अगर आप आओ तो वहाँ से ऑटो भी कर सकते हो, मुझे ऐसे ही आना अच्छा लगता है। रात वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो आप देख सकते हो ना इधर, एक ये कुआं है, इसको एक रात में बनाया था, यहाँ पता चलता है, बताया गया है कि यहाँ पर एक रात में ये कुआं बनाया गया था। तो आप खुद देख सकते हो, सामने दरगाह देख रहे हो आप, काफ़ी बड़ी दरगाह देखो आप, देख सकते हो ये आप। और इधर ये कुआं है जहाँ पानी पी सकते हो, तो काफ़ी खूबसूरत दरगाह ही वाली। तो दोस्तों आज फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ दरगाह पे, क्योंकि बहुत टाइम बाद हो गया और मैं दरगाह नहीं गया था अभी तक। इसलिए गद्दी नशीन हज़रत अकबर शाह बाबा, देख सकते हो ये उनकी गद्दी नशीन है। एक रात में जो बना था कुआं वो ये वाला है, आप देख सकते हो। और हम दरगाह की चौखट पर पहुँच चुके हैं, अब हम अंदर चलेंगे, अंदर का नज़ारा दिखाएँगे आपको। तो दोस्तों हम दरगाह के अंदर आ गए, ये सामने आप हॉल देख रहे हो, इसके अंदर लंगर होता है। और ये दरगाह है जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं अंदर, सलाम अपना पेश करेंगे हम। और बहुत खूबसूरत दरगाह है, अभी तक किसी ने नहीं देखी तो एक बार आकर यहाँ ज़रूर देखें आप लोग। और हम दरगाह पहुँच चुके हैं, अभी ये दरगाह है आप देख सकते हो, यहाँ पर हम अपनी फातह करेंगे, उसके बाद हम छत के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ भी चारों तरफ हम नज़ारा आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह के वलियों की शान हमेशा निराली है, आप देख सकते हैं जंगल में बनी खूबसूरत एक दरगाह, हज़ारों दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और दरगाह को देखने सलाम पेश। चलो अब ऊपर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, आप देखेंगे खुश हो जाएंगे आप। तो अब ये नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ हर जरा जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी वहाँ सिर्फ जंगल नज़र आएगा, क्योंकि जंगल में बनी एक बेहद खूबसूरत दरगाह है ये। और हज़ारों किलोमीटर से लोग यहाँ पर दरगाह को देखने आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ का नज़ारा मैं बता नहीं सकता, आप देखते रह जाएंगे। जंगल में बनी एक खूबसूरत दरगाह जहाँ पर मतलब इतना सुकून मिलेगा आपको यहाँ पर आकर, आप यहाँ पर आकर रुक ही जाओगे और आपका जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आकर देखें। ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके से आपको ऊपर जाना है और यहाँ सीढ़ियों से आप ऊपर आएंगे। और यहाँ भी आप मज़ार देखेंगे, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। और ये नज़ारे देखिए आप, बेहद खूबसूरत मज़ार है आशिक अल्लाह बाबा सरकार की। और यहाँ मैं बचपन से यहाँ आता हूँ। अभी खूबसूरत सा आप गुंबद भी देख सकते हैं और मैं यहीं पर। तो दोस्तों इस टाइम मैं दरगाह पे आ चुका हूँ और बेहद खूबसूरत नज़ारा है दरगाह का। और इस टाइम आशिक अल्लाह बाबा सरकार हैं उनकी दरगाह पर हम मौजूद हैं, जंगल में बेहद खूबसूरत दरगाह। चलो आपके पूरा ज़्यारत कराते हैं यहाँ की। जब छत पर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको मज़ारात दिख जाएंगी बनी हुई खूबसूरत सी, एक मज़ार ये भी है। तो अभी हम यहाँ भी अंदर चलेंगे और यहाँ सलाम पेश करेंगे अपना। और मैं बता नहीं सकता, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पर इस वक्त। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ भी काफ़ी
ज़्यादा मज़ार बनी है, यहाँ भी मज़ार हैं काफ़ी। और पूरा का पूरा जंगल है चारों तरफ, ये देखिए। अक्सर अगर आप जुमेरात वाले दिन यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अक्सर मैंने देखा है। और ये दरगाह के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके चारों तरफ आपको सिर्फ जंगल नज़ारा दिखेगा क्योंकि चारों तरफ इसके जंगल है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करीब 2-3 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो ये दरवाज़ा खुला होता था तो लोग अंदर भी बैठ के यहाँ पर दुआ करते थे, और फिलहाल ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है किसी कारण के चलते, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर से देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं ये नज़ारा के अंदर चरागी करते थे। और बाहर एक और मज़ार ये बनी हुई है, और इसके नज़ारा, इसके जो चारों तरफ का नज़ारा है ना, आपको नज़ारा बेहद खूबसूरत लगेगा। अगर आप अभी तक नहीं आए तो एक बार ज़रूर आकर यहाँ देखें। इसके चारों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं ताकि कोई छोटा मोटा जानवर इधर से इधर ना जाए, और इसके चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको। चारों तरफ दरगाह बनी हुई है, काफ़ी बड़ी जगह में दरगाह बनी हुई है, और लाइटें चारों तरफ लगी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा। अगर आप सुबरात वाले दिन आते हैं तो और ज़्यादा आपको देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं चारों तरफ इसकी, यहाँ आप नीचे वहाँ साइड से आके आप यहाँ से नीचे जाके बाहर जा सकते हैं। और ये नीमशाही पेड़ है, ये भी आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत तरीके से, और बहुत अच्छी जगह है यार। अगर आप इतनी आए तो आप ज़रूर आओ, और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जंगल में बनी एक दरगाह है आशिक अल्लाह बाबा सरकार की, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये एक दरवाज़ा सा बना हुआ देख सकते हो आप, ये ऐसा लग रहा है जैसे इधर से उधर जाने के लिए कुछ बना था ये पहले। और ये अंदर का खूबसूरत सा नज़ारा, पूरा जंगल है इसके चारों तरफ। जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए बाहर आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑटो से अंदर दरगाह तक आ सकते हो, 15 से 20 रुपए लोग ये लेते हैं एक बंदे का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मेरे चैनल @दिलशाद ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर दिखाता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वेरी मच।